अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का सबसे बड़ा दर्द है बढ़ती उम्र, और इस उम्र में कोई सटीक आंसर ना मिलना। आप सोच कि आपकी उम्र रोज एक वर्ष बढ़ रही हो, मतलब हर वर्ष एक साल कट रहा हो और आपको कुछ चीज हासिल नहीं हो रही हो, तो फिर आपका परेशान होना कोई खास बात नहीं। और ये दर्द शिक्षा मित्र के लिए बड़ा गंभीर समस्या बनती नजर आ रही है। सबसे पहले अपने शिक्षा मित्रों को एक बड़ी खबर दे दें कि मेरे बांदा के सुखलाल भारती का बेटा 60% आपकी दुआओं से ठीक हो गया। हालांकि उतनी उसकी आर्थिक मदद साथी नहीं कर पाए, क्योंकि सब लखनऊ से वापस आए थे, खर्चे सबके पास थे, लेकिन किसी का 23 वर्षीय बेटा अगर आईसीयू पर हो तो उसके माँ बाप के लिए क्या गुजरा होगा। वो कितनी बार रोया मुझसे और कितनी बार समस्याओं से जूझा, लेकिन इस सब के बावजूद उसका बेटा स्वस्थ है। रात को वो 10 बजे भी बताते हैं पूरे हालचाल सुखलाल भारती, और सुबह ही फिर दिन निकलते हैं, हमें 7 बजे मैसेज दे देते हैं। मैं उनके हर फोन अटेंड करके उनकी हर बात को सुनकर समझकर प्रयास कर रहा हूँ कि उनका कुछ अच्छा हो जाए, उनका बच्चा स्वस्थ होकर घर चला जाए तो एक बड़ी जीत हो जाए। किसी का 23 वर्ष का बेटा अगर आईसीयू में भर्ती हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना। मैंने ये सब चीज़ें झेली हैं। 2 वर्ष पहले मेरा खुद का बेटा था, फिर पिछली इसी वर्ष एक भतीजा खोया है, तो मैंने ये सब चीज़ें बेहतर जानता हूँ। आप सबकी दुआ से आज सुखलाल भारती का बेटा स्वस्थ हुआ है, घर पहुँचेगा, बेहद खुशी होगी। लेकिन उम्र के इस बढ़ते पड़ाव पर करे तो करे क्या? द्रोवर वर्मा जी, ग्राम सेवक को भी हम ग्राम रोजगार सेवक का जो कोई प्रदेश अध्यक्ष हो मुझसे संपर्क करें। मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश के उन सभी संगठनों की बात करता हूं। मैं कल किसी ने मुझे ग्राम रोजगार सेवक का सुसाइड किया हुआ मुझे फोटो भेजा था, जो फांसी पर लटक रहा था, मेरा दिल टूट गया। साथियों स्वागत है, मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है। वास्तविक रूप में सरकार से, यानी कहा जाए शासन से, शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर फाइनल बयान आ चुका है। बयान क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक वीडियो की क्लिप अभी आपके मध्य में चलेगी, उसे आप देखिएगा, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। अरे भाई, जान मत दीजिए, जान बड़ी बेशकीमती है। हम जब एक आदमी को, एक जानवर को, एक चींटी को भी जान नहीं डाल सकते हैं, तो हम मानव में जान कैसे डाल पाए। आत्महत्या कोई जीत नहीं है, ये तो हार है, बड़ी हार है। तो इन सबसे आप निकलिए, आगे बढ़िए। उम्र के इस बढ़ते पड़ाव में कैसे इस थका देने वाली नौकरी से निजात मिले इस पर चर्चा करिए, कैसे इससे सुरक्षित निकला जाए इस पर चर्चा करिए, और कैसे आगे बढ़े उस पर बातचीत करिए। रविंद्र पासवान तो जो खबरें अच्छी लगे उन पर चर्चा करिए, कोई जरूरी थोड़ी है खबरों को सुना जाए। आपका दिमाग पकड़ा है तो आप जहां दिमाग अच्छा रहता है वहां जाइए, उन खबरों को पढ़िए। अब हम उन चीजों को तो नहीं बता सकते कि अभी आप नियमित हो जाओगे, झूठा तो नहीं कह सकते किसी भी कीमत पर। मेरा मानना है कि एक अच्छी बातचीत को कैसे खराब करें, कुछ लोग इसी बात पर रहते हैं। लोगों को सुरक्षित कैसे बचाएं, यह भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी है। हार जीत ये सब जीवन मरण अलग की बात है, पहले जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित कैसे बचाया जाए। हमारे साथ आदरणीय विनय सर आ चुके हैं, स्वागत है और अभिनंदन है। सीधा उनसे मेरा यही सवाल है, विनय सर, इस बढ़ती उम्र के पड़ाव में अब नौकरी थका रही है अनुदेशक और शिक्षा मित्र, रोज यानी प्रत्येक साल एक वर्ष उसका जीवन बढ़ जाता है, और उसे कोई ऐसा मुकाम नहीं दिख रहा है कि आने वाला वर्ष उसके लिए बेहद लाभदायक होगा, बेहद अच्छा होगा, कैसे वो भरोसा कायम करे।
निशा जी नमस्कार। और